हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेदा एंड इन्फॉर्मेटिव चैनल। जी हाँ, एज यू नो मैं हूँ ममता और आज मैं आपके सामने इमली लेकर आई हूँ। इसके औषधीय गुणों के बारे में आज जानते हैं और ये जानना ज़रूरी है कि इमली क्यों इतनी खास है। जी हाँ, विटामिन सी, ई और पी के अलावा इमली में कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीज और फाइबर से भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। जी हाँ, आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह छोटी छोटी जानकारियाँ लेकर आपके लिए आती रहूँ तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है और कुछ नहीं। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना। जी हाँ, मोटापे से छुटकारा मिलती है इमली और यह कहना गलत नहीं होगा कि कैंसर के मरीज़ों के लिए भी फ़ायदेमंद है। डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करने में मददगार है और इमली लीवर के लिए भी फायदेमंद है। हमारे हिंदुस्तान के व्यंजनों के स्वाद को बढ़ाने वाली ये खट्टी मीठी सी इमली किसे पसंद नहीं। कभी बच्चे तो कभी युवतियाँ चटकारे ले लेकर खाते हैं सभी। और यही नहीं, कई तरह की चटनियाँ इमली के बगैर अधूरी ही होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इमली स्वाद के साथ साथ कई स्वास्थ्यवर्धक रोगों से निजात दिलाने में बड़ी कामयाब है। संग्रहणी हैं, बार बार दस्त जा रहे हैं, तो ऐसे में इमली के पीस पीस कर जी हाँ उसका चूर्ण बना लें और रोज़ाना 3 बार फंकी लें। कुछ ही दिनों में आपकी संग्रहणी ठीक हो जाएगी। 1 गिलास पानी में स्वाद के अनुसार इमली का गुद भिगो कर मत कर इमली का खट्टा पानी छान लें और अपने स्वाद के अनुसार सेंधा नमक मिला लें। 1 टुकड़ा केले का खाकर 3 घूंट जी हाँ 3 घूंट यह पानी पिएं। इस तरह से 1 केला और फिर पानी इस तरह थोड़ा थोड़ा करके इसे 1 केला खा लें और 3 बार ये पानी पिए, जल्दी ही संग्रहणी ठीक हो जाएगी। इसका शरबत बनाकर किसी को भी पिलाते हैं जिसको भी पेट में कब्ज रहती है, तो ये उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। विटामिन सी की कमी के लिए हमें ऑरेंज खाने की सलाह दी जाती है। डॉक्टर्स कहते हैं विटामिन सी की कमी आपके अंदर, आप ऑरेंज खाइए, क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए, अगर आपकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है और आपके अंदर विटामिन सी की ज़्यादा कमी है और आप जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, तो आपको इमली ज़रूर खानी चाहिए। इमली में भरपूर मात्रा में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करते हैं। इमली में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है और यह स्कर्वी को रोकने के उसके इलाज के लिए ही बहुत लाभदायक है। ये चाट इमली की चटनी के बिना अधूरी ही है। जी हाँ, यहाँ तक कि इमली के फूलों को भी स्वादिष्ट पकवान बनाने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इसके पत्तों में शीतलता प्रदान करने वाले तत्व होते हैं। यह अपित्तकर है, पेट के कीड़ों को नष्ट करने में मदद करते हैं और इसके अलावा इमली और काली मिर्च का रसम दक्षिण भारत में सर्दी जुकाम के लिए इसे प्रभावशाली घरेलू नुस्खा माना जाता है। इसके अलावा इसके पत्तों को पीलिया के इलाज के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। इमली का गूदा रेचक है, रोगाणुरोधक है। पके हुए फल का गूदा कब्ज, गैस की समस्या, अपच के इलाज के लिए लाभदायक होता है। यह कब्ज में भी लाभकारी है। साथ ही इसके गूदे को कोमल करके बनाया हुआ निवेश भूख की कमी को भी ये पूरा करता है और ग्रहण की इच्छा की कमी में भी लाभदायक है। इमली के दूध का पेय पेचिस के इलाज के लिए भी लाभदायक होता है। इमली के कोमल पत्तों को जलने पर आप घाव के इलाज में काफ़ी लाभदायक साबित हुआ है। इसे एक ढके हुए बर्तन पर आग से गर्म करें और उसे अच्छे से पीस कर उसे छान लें। इसमें रेतीले पदार्थ निकल जाएं। अलग से छानने के बाद इसे तिल के तेल में मिलाकर जले हुए भाग पर लगा दें। इससे घाव कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। ये ज़्यादातर साउथ इंडियन लोग इसे सांभर में उपयोग करते थे, पर अब तो पूरे भारत में ये प्रयोग में लाया जाता है। सांभर, गंता, कुंजबू ऐसी चीज़ें, ये जो है आंध्र प्रदेश में जो है रसम, इसके बिना जो है इमली के पल्प के बिना अधूरी मानी जाती है। इमली के बीज में ट्रिप्सिन इनहिबिटर गुण पाया जाता है जो मेड्स डिसऑर्डर संबंधी जैसी हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। यहाँ तक कि हाई ट्राइग्लिसरीन के लिए भी मोटापा दूर करने के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। इसका आप अगर आप अपने वजन को लेकर परेशान हैं तो आप मदद इमली कर सकती है। वजन घटाने के लिहाज से इसमें हाइड्रोक्साइड एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो शरीर में वसा को कम करने के लिए इसमें एंजाइम को बढ़ावा देता है, संचार को बेहतर करता है और आयरन की कमी को पूरा करने में इमली सहायक होती है।
इससे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अधिक होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। पाचन प्रक्रिया को ठीक रखने में इमली बेहद ही फायदेमंद है। इसमें फाइबर जो है भरपूर मात्रा में होता है जो पाचन को मदद करता है। जी हाँ, इसके अलावा कब्ज और डायरिया जैसी समस्याओं के उपचार में भी इमली बहुत ही फायदेमंद है। इमली के बीज पीसकर इसके पाउडर को पानी के साथ लेने से बहुत ही लाभकारी होता है। इस तरह की छोटी छोटी जानकारियाँ लेकर आती रहूँगी। जो चीज़ें हमारे आसपास हैं उनसे हम क्या लाभ उठा सकते हैं, इसे ये प्रतिरोधक क्षमता को बहुत जल्दी बढ़ावा देता है। ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और पूरा